मेरे चौकीदार ने तुम्हें घर आते हुए देखा था, तुम ही आई थी ना दानिश के साथ। अम्मी मैं तो वहां गई नहीं थी, तो फिर दानिश की अम्मी ने ये क्यों कहा कि उसके चौकीदार ने मुझे वहां देखा है? ऐसा मत सोचो, वो औरत झूठ बोल रही है। उसने किसी ना किसी पर इल्जाम धरना था बस। नहीं अम्मी, कुछ तो है, मैं वहां नहीं गई थी, लेकिन मैं फिर भी वहां थी, मुझे वहां देखा गया। कैसे? ऐसा मत सोचो मेरी चंदा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अम्मी सच से बताए, क्या दानिश को मैंने मारा है? नहीं नहीं, तुमने नहीं मारा दानिश को, मत सोचो तुम, वो तो अल्लाह की तरफ से आती है। चलो चलो, तुम पानी पियो। चोट लग जाती, जख्म लग जाता तुम्हें। जिस दिन दानिश मारा, उस दिन मैं अपने कमरे में बंद हो गई थी और मैं दानिश के साथ घर से भागने वाली थी, शादी करने वाली थी। नहीं तो मुझसे कहा था सब करने को। मैंने नहीं, नहीं, नहीं। आपने मुझसे कहा था, आपने कहा था मुझसे, अब आप अपनी बात से बदल रही हैं। चुप हो जाओ, मत करो ऐसी बातें। अगर तुम्हारे बाप और भाई ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? ऐसी बातें नहीं करते। इस कमरे में बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद। और हाँ, मुझे दानिश के नौकरों ने कैसे देखा? मैं वहां कैसे पहुंची? क्या मैं भूत बन कर गई थी वहां? नहीं, तुम तो मेरी जंदा हो, प्यारी सी बेटी हो। मैं भूत तो नहीं, नहीं, कमरे में बंद हो जाती हूँ, फिर किसी को नजर नहीं आती, फिर क्यों बन जाती हूँ? क्यों? दानिश के घर पहुँच के दानिश को मार देती हूँ। क्या हो गया? अरे मैंने दानिश को मारा है, दानिश को मारा है, मैंने दानिश को मार दिया, मैंने मारा है। तुमने नहीं मारा। नजर आ रही क्या? मैं भूत तो नहीं नजर आ रही ना? मैंने क्या हुआ है? मैंने दानिश को मारा है। करो तुम तो मार लिया, लेकिन मुझे सब सब बुलाया था। अमान और अंकल स्टडी में, इससे क्या हुआ है? मैंने दानिश को मार दिया। चली जाओ भाभी, तुम चली जाओ, ये तुम्हारे काबिजों का असर है। अंकल यहाँ जाओ। मैंने दानिश को मार दिया, तुम्हारा क्या असर है? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है। मैंने दानिश को मार